देश कोई भी हो, लेकिन उससे तनाव को बढ़ावा देने का काम लगातार चीन करता रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति और तानाशाही बड़े रवैये से चीन के पड़ोसी देश काफी परेशान है। ऐसे में एक बार फिर से चीन अपने पड़ोसी देश से उलझ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताइवान की, जिसको लेकर साउथ चाइना सी में चीन इस विवाद को और बढ़ावा दे रहा है, जिसने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अपने इस वीडियो में हम चीन के वो खतरनाक कदम और इरादे, जिनके खिलाफ ताइवान ने बिगुल फूंक दिया है, दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। साउथ चाइना सी में ताइवान बढ़ा रहा सैन्य तैनाती। भारत के साथ चीन लद्दाख क्षेत्र में एलएसी के पास पिछले 10 महीने तक उलझा रहा, और इसके लिए उसने बड़ी तैयारी कर रखी थी, जिसमें अपनी सेना के साथ साथ अपने हथियारों की तैनाती तक एलएसी पर कर दी थी। लेकिन भारत की कूटनीतिक चाल और सेना के मजबूत इरादों ने चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसके बाद चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। लेकिन चीन की फितरत हमेशा से पड़ोसी देशों को परेशान करने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की रही है। इसी मंसूबे के साथ चीन काफी लंबे वक्त से ताइवान को आंखें दिखा रहा है, लेकिन चीन की ताकत के सामने ताइवान झुकने को तैयार नहीं है। और अब ताइवान ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाने का ऐलान किया है। ताइवान के नव नियुक्त रक्षा मंत्री चियू को चेंग ने संसद को बताया कि उनके देश ने हाल ही के दिनों में साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को काफी बढ़ाया है। इसके अलावा अमेरिका से मिली संवेदनशील तकनीक की मदद से ताइवान के पनडुब्बी बेड़े को और घातक बनाया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल ताइवान को संवेदनशील पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के निर्यात की मंजूरी दी थी। चीन शुरू से ही ताइवान के ऊपर अपना हक जताता आया है। यही वजह है कि चीनी सेना के वरिष्ठ जनरल से लेकर राजनेता तक ताइवान पर हमला कर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। इस साल जनवरी में ही चीनी रक्षा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता का ऐलान का मतलब ही युद्ध है। इस कारण चीन ने पिछले एक साल में ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को काफी तेज किया है। उधर ताइवान ने भी अपने बचाव का संकल्प लेते हुए जंग की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गया ताइवान। दरअसल अपनी जमीन को बचाने के लिए ताइवान किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसके संकेत ताइवान ने उस वक्त दे दिए थे जब अमेरिका की मदद से ताइवान ने अपने हथियारों को मजबूत करना शुरू कर दिया था। तो वहीं समुद्र में भी ताइवान अमेरिका की मदद से अपने पनडुब्बियों की ताकत बढ़ा रहा है। पिछले महीने ही ताइवान के रक्षा मंत्री का पद संभालने वाले चियू को चेंग ने बुधवार को संसद में कहा कि साउथ चाइना सी में हमारे कब्जे वाले द्वीप इटू आबा पर सैन्य कर्मियों और हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। इटू आबा को ताइपिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्प्रैटली द्वीप समूह में स्थित सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। इस द्वीप की देखरेख ताइवानी कोस्ट गार्ड करती है। वहीं ताइवान की मंशा चीन को लेकर क्या है, ये उस बयान से समझा जा सकता है जो संसद में खड़े होकर ताइवान के रक्षा मंत्री चियू गुओ चेंग ने दिया है। दरअसल ताइवानी संसद के एक सदस्य ने सवाल किया कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके जवाब में ताइवान के रक्षा मंत्री चियू गुओ चेंग ने कहा कि वे युद्ध शुरू करने में सक्षम है, हमारा लक्ष्य हर समय तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि चीन के विस्तारवादी रवैये के कारण ताइवान ने इटू आबा द्वीप पर अपनी उपस्थिति को मजबूत कर दिया है। हालांकि सेना यहां स्थायी सैन्य शिविर बनाने पर विचार नहीं कर रही है। दूसरों को परेशान करने वाले चालबाज चीन की बड़ी चिंता। दरअसल अपनी ताकत और कुनूतियों के दम पर पड़ोसी देशों को डराने धमकाने वाला चीन इन दिनों ताइवान के कदम से चिंता से घिर गया है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर वो ताइवान को डरा रहा था, उन हथियारों की काट अब ताइवानी सेना तक पहुंच गई है। अमेरिका की मदद से बनी ताइवान की पनडुब्बियां चीन के साउथ चाइना सी के प्लान को करारा झटका दे रही हैं। ताइवानी रक्षा मंत्री ने बताया कि अमेरिका से हमारे स्वदेशी पनडुब्बी बेड़े को घातक बनाने के लिए आवश्यक सभी संवेदनशील उपकरणों के लिए निर्यात परमिट को मंजूरी दी जा चुकी है। हमने 8 की संख्या में अटैक पनडुब्बियों का निर्माण पिछले साल नवंबर में शुरू किया था। इनका निर्माण 2024 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान के साथ रक्षा संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। दरअसल ताइवान को ये कदम चीन के उस कदम के बाद उठाना पड़ा जिसमें चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपनी मौजूदगी और ताकत को बढ़ा रहा था। दरअसल चीन ने साउथ चाइना सी में कई आर्टिफिशियल द्वीपों का निर्माण किया है, जिनमें से कुछ पर मिलिट्री बेस और हवाई अड्डे भी बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र में चीन का वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के साथ विवाद है। इस बीच चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका को भी हदों को न लांघने को कहा है। चीनी संसद के अधिवेशन में कुछ दिन पहले ही विदेशी मंत्री वांग यी ने जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को बदलने के लिए कहा था।